हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निवा चैनल। दोस्तों स्वागत है आप सबको आपके अपने चैनल लर्निवा में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे टेम एंड टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं टेम एंड टेंस क्या है, क्या टेम है और क्या टेंस होते हैं और क्या इसकी रोल होते हैं, ये भी जानेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमने टॉपिक बनाए हैं टेम एंड टेंस और टेम्पस। टेम्पस क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों टेम्पस जो है वो टेंस के ही लैटिन वर्ड है। ये क्या है, ये लैटिन, टेम्पस कौन सी वर्ड है, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड की टेम्पस। टेंस जो है वो लैटिन वर्ड टेम्पस से आया हुआ है। किससे आया है, टेम्पस वर्ड से टेंस आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं अब टेम क्या होते हैं। आपने ये जान लिया जो टेम्पस वर्ड जो यहाँ पे लिखा गया था, तो देखिए अब टेम क्या होता है। दोस्तों इसकी डिफिनेशन समझाते हैं। The word time is always concerned with the meaning of the sentence. तो टाइम क्या होते हैं? The word time is always concerned with the मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। यानी कि सेंटेंस में क्या करता हो, टेम क्या करता है, सेंटेंस के मीनिंग को कंसर्न करता हो। कंसर्न का मतलब होता है संबंधित, क्या होता है, संबंधित या व्यक्त करना होता है। क्या करता है, सेंटेंस में मीनिंग को कंसर्न करता है। जैसे एग्जांपल्स देखिए क्या होते हैं, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। यहाँ पे जो टुमारो जो है वह क्या है, ये टाइम को इंडिकेट करता है। लेकिन कौन सी टाइम को इंडिकेट करता है, टाइम टुमारो जो है, टुमारो वो कौन सी टाइम को इंडिकेट करता है, फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है। कौन सी टाइम को, फ्यूचर टाइम को, जो कल जो है वो मैच स्टार्ट होंगे। क्या होंगे, कल मैच स्टार्ट होंगे, ठीक है, इसमें हिंदी सो हुआ। और ये टेंस कौन सी है, ये टेंस कौन सी है, प्रेजेंट में, किसमें दिखा रहा है, ये प्रेजेंट में दिखा रहा है, मैच जो है वो कल होने वाले हैं या कल होंगे, ठीक है। तो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस हुए, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब हम अलग से आएंगे तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने तरह के होते हैं, ये सब सारी चीजें जानकारी प्राप्त करें। पहले हम डिफिनेशन जान लेते हैं टेम और टेंस के क्या होते हैं। चलिए देखते हैं अब टेंस क्या होते हैं, टेंस क्या होते हैं। टेंस वर्ड जो है वो किससे आया हुआ, टेम्पस लैटिन वर्ड से आए हुए हैं टेंस। तो देखिए, द वर्ड टेंस इज ऑलवेज कंसर्न विथ द फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि वर्ब के रूप के, वर्ब के रूप जो है उसको जो कंसर्न करता है उसको हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। या दूसरी भाषा में ये भी हम कह सकते हैं, दूसरी शब्दों में, यानी कि अदर वर्ड्स, द टेंस इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। यानी कि क्रिया के रूपों को जिसमें हम अध्ययन करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, ठीक है। टेंस किसको कहते हैं, क्रिया के रूपों के अध्ययन को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। जैसे अब टेंस कितने तरह के होते हैं और टाइम कितने तरह के होते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, टाइम जो है वो तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, टाइम तीन तरह के होते हैं, कौन कौन, प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टाइम क्या होते हैं, फ्यूचर टाइम होते हैं। टाइम कितने तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। और टेंस कितने तरह के होते हैं, टेंस दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। देखिए कौन कौन सी, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। हमने जब ग्रामर पढ़ना स्टार्ट किए थे तब हम लोग कितने पढ़े, टेंस तीन प्रकार के पढ़े होंगे। कितने तरह के, तीन प्रकार के, कौन कौन सी, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, फ्यूचर टेंस प्रेजेंट टेंस में ही आते हैं, इसीलिए टेंस को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अब इसको हम एग्जाम्पल से जानेंगे जो कौन कब टेंस जो है, टाइम जो है वो टेंस पे क्या होते हैं और टेंस का टाइम में क्या असर पड़ता है। वर्ब के फॉर्म्स के अध्ययन क्या है, तो वर्ब कितने तरह के होते हैं, वर्ब एक्चुअली में पास कितने तरह के होते हैं, फाइव टाइप्स होते हैं। वर्ब के कितने रूप होते हैं, पांच रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं, वी1 यानी कि वी1,
B1, B2, B3, B4 और B5 भर के इतने टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं। तो B1 को हम क्या बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, गो, वेंट, गोन, गोइंग और गोज। जैसे दूसरे एग्जाम्पल है कट, 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 कटिंग, कट्स। इस तरह से जैसे कम, कम, केम, कम, कमिंग, कम्स, क्या होते हैं, कम्स होते हैं। तो इस तरह से क्या होते हैं, भर के रूप हैं। भर के कितने रूप हैं, 5 रूप हैं। कितने, B1, B2, B3, B4 और B5, ये कितने क्या है, भर के टाइप्स हैं। अब देखना ये हमको है जो भर को देखिए, अब क्या क्या बोलते हैं भर को, भर को क्या सब बोलते हैं, भर को हम बेस फॉर्म ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म, या इसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म में बोलते हैं। ये भर जो है ये किस रूप में है, भर जो है विवर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लुरल फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में होते हैं, ये प्लुरल फॉर्म में होते हैं। इसको हम क्या भी बोलते हैं, प्लुरल फॉर्म ही बोलते हैं, प्लुरल फॉर्म। विवर्ण को क्या बोला जाता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द भर। इसको भर के पहले रूप भी कहते हैं कि विवर्ण, यानी भर का फर्स्ट फॉर्म होते हैं। यानी क्या होता है, टेम में एक्शन होते हैं, क्या होते हैं, एक्शन, एक्शन होते हैं। और ये एक्शन किस पे डिपेंड करता है, भर पे डिपेंड करता है। टाइम का एक्शन किस पे डिपेंड करता है, भर पे डिपेंड करता है। किस पे, भर पे, भर में क्या होता है, एक्शन होते हैं। तो ये अब ये टेंस, किसी भी टेंस में, किसी भी सेंटेंस में कहा जाए, किसी भी सेंटेंस में टाइम जो आते हैं, टाइम, टाइम जो आते हैं वो क्या होते हैं, वो टेंस बताता है, टेंस की उनकी वर्ब के फॉर्म्स को बताते हैं कि जी कौन सी ये टेंस में है। वर्ब के फॉर्म्स क्या बताते हैं, ये कौन सी टेंस में ये सेंटेंस है, सो बताते हैं। जैसे जैसे भी क्या है, टुमारो इज सैटरडे, टुमारो इज सैटरडे। यहाँ पे टुमारो कल, यानी कल क्या है, सैटरडे है, ठीक है। तो यहाँ पे टुमारो जो है क्या दिखा रहा है, यहाँ पे टाइम क्या दिखा रहा है, फ्यूचर, क्या दिखा रहा है, फ्यूचर टाइम दिखा रहे हैं। और टेंस कौन सी है, टेंस कौन सी है, ये प्रेजेंट टेंस है। कौन सी टेंस है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस है। कौन सी टेंस है, ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट टेंस। लेकिन टाइम क्या दिखा रहा है, फ्यूचर टाइम दिखा रहे हैं। इसमें जो कल जो है मैच, कल क्या है, सैटरडे है। जैसे अगर एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, द मैच टेक्स प्लेस ऑन मंडे। मैच जो है वो कब है, मंडे को, मंडे को जो है किसी स्थान पर होने वाला है या होंगे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे टेक्स, सबसे पहली बात यहाँ पे मंडे जो है वो क्या दिखा रहा है हमको, टाइम दिखा रहा है। कौन सी टाइम है, ये टाइम कौन सी है, फ्यूचर टाइम है, फ्यूचर टाइम है। टाइम क्या है, फ्यूचर, फ्यूचर। और ये टेंस कौन सी है, ये टेंस जो है इसके लिए कि टेंस में, इस सेंटेंस में जो वर्ब के यूज के लिए है, यानी कि V5 के यहाँ पे यूज किया गया है। यानी कि इसमें जब V5 में क्या होता है, V5 कैसे बनाते हैं, जब V1 में यानी कि बेस फॉर्म में, क्या के वर्ब के बेस फॉर्म में जब S या S लगा देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, V5 रूप बन जाते हैं। यहाँ पे V5 आपको क्या दिखा रहा है, ये सेंटेंस जो है कौन सी फॉर्म में है, ये प्रेजेंट फॉर्म में है। कौन सी फॉर्म में है, प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। कौन सी टेंस में है, ये प्रेजेंट टेंस में है। अब दूसरे एग्जांपल से देखिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। यहाँ पे द सन राइजेस इन द ईस्ट मतलब कि सूरज जो है वो क्या होते हैं, पूरब में उगते हैं, ठीक है। यहाँ पे टाइम क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ पे टाइम ये इंडिकेट हो रहा है, पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टाइम के बोध हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सूरज आज भी उगते हैं, उगे हैं, कल भी उगेंगे और कल भी उगे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ पे तीनों टाइम को दिखा रहे हैं, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम, तीनों टाइम इंडिकेट करते हैं इससे। तो कौन सा टाइम दिखा रहा है, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट और फ्यूचर, फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है। इनकी टेंस कौन सी इंडिकेट कर रहा है, कब ये टेंस इंडिकेट कर रहा है, वो कौन सी टेंस इंडिकेट कर रहा है, वो प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। कौन सी टेंस को,
प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो हमने ये देखे जो टाइम जो होते हैं वह टेंस जो होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो वर्ब्स के फॉर्म पे डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं, वर्ब्स के फॉर्म पे डिपेंड करते हैं। जो वो वर्ब जो है वो कौन सी फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में है या पास्ट फॉर्म में है या फ्यूचर फॉर्म में है। फ्यूचर और प्रेजेंट को एक ही माना जाता है, इसीलिए फ्यूचर टेंस को प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। इसीलिए टेंस को दो भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, ठीक है। दोस्तों अब हम लोग ये पढ़ेंगे जो डिफरेंस टेन और टेंस में क्या डिफरेंस है, टेन और टेंस में क्या डिफरेंस है। तो देखिए क्या डिफरेंस है टेन में, टेन जो होता है वो क्या होते हैं, नॉन ग्रामेटिकल थिंग होते हैं। यूनिवर्सल कंसेप्ट, यानी कि टाइम जो है, टाइम आज भी है और कल भी थे, इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल कंसेप्ट बोलते हैं और कल भी रहेंगे, ठीक है। जबकि टेंस क्या है, टेंस जो है वो ग्रामेटिकल फॉर्म है। क्या होते हैं टेंस में, हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, ग्रामेटिकल, यानी कि टेंस क्या है, ग्रामेटिकल थिंग है। टेंस इज अ ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल, ग्रामेटिकल थिंग। मेन डिफरेंस यही है टेंस में, टाइम जो है वो क्या होते हैं, नॉन ग्रामेटिकल थिंग, मतलब ये जो टाइम जो है वो ग्रामेटिकल का चीज नहीं है, टेंस जो है वो ग्रामेटिकल थिंग्स है, ठीक है। यानी कि टेंस डिपेंड करता है, टेंस डिपेंड करता है किस पे, टेंस पे, टाइम पे, ना कि टाइम डिपेंड करता है टेंस पे, ठीक है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, हमें उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपके चैनल लर्न वाला के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।